नए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान आज मनसब संभालेंगे। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल से सदर मुमलिकत आरिफ अलवी हल्फ लेंगे। सुप्रीम कोर्ट के नए चीफ जस्टिस 16 सितंबर 2023 तक ओहदे पर रहेंगे। पाकिस्तान ने आईएमएफ की पेशगी शराइत पर अमल दरामद कर लिया, रिपोर्ट भिजवा दी। आईएमएफ एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास आज वॉशिंगटन में होगा। क्या 6 अरब डॉलर कर्ज प्रोग्राम से 1 अरब डॉलर की अगली किस्त मिलेगी या होगा डू मोर का मुतालबा। मुल्क में कोरोना का फैलाव जारी, एक दिन में 29 मरीजों की जान गई। 6047 अफराद में वायरस से मुतासर हुए। मुस्बत केसेस की शरह 10% से कम हो गई। 1500 मरीज आईसीयू में जेरे इलाज है। लाहौर में शरह 13% से ज्यादा और रावलपिंडी में 8% से जायद रिकॉर्ड। कराची की बोल्टन मार्केट में प्लास्टिक की दुकानों में लगी आग पर काबू पा लिया गया। फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियों ने ऑपरेशन में हिस्सा लिया। आग बेसमेंट में लगी, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। दुकानदारों ने सामान महफूज जगह मुंतकिल कर दिया। खोटकी में डाकुओं ने पुलिस पर हमला किया, एहलकार गुलाम मुस्तफा मेमन शहीद, दूसरा जख्मी। मुलजिमान पुलिस का असला भी लूट कर ले गए। कराची में जाति सर्दी का जोर क्या वापस आएगा? महकमा मौसमियात ने की है आज दोपहर से गर्द आलू हवाओं की पेशगोई, खबरदार कर दिया। कमजोर इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान भी पहुंच सकता है। और गवादर में 3 रोजा नेशनल रोड साइकिलिंग चैंपियनशिप का फाइनल, डिप्टी कमिश्नर गवादर ने साइकिल चलाकर फाइनल राउंड का इफ्तिताह किया। 80 किलोमीटर ट्रैक पर है साइकिलिस्ट का इम्तिहान, खवातीन 40 किलोमीटर ट्रैक पर किस्मत आजमाएंगी।